पर्सन था अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से छोटी सी प्रॉब्लम हुई, हल्का फुल्का दर्द हुआ। हाँ जी। और जब सिटी स्कैन करवाया पेट का, तो वहां पे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर किडनी को पूरा कवर करते हुए तकरीबन 18x15x12 सेंटीमीटर की एक गांठ। माय गॉड, 18x15x12, मतलब वो सुनते ही ना मेरे भी होश उड़ गए कि इतनी बड़ी वो एडजस्ट कहाँ कर रही है। लेकिन उस परिस्थितियों में हम लोगों ने, मतलब एक बहुत लंबी कहानी है, मैं, मेरी वाइफ और हमारे पूरे परिवार ने जब इन सब चीजों को जाना, तो हम लोगों ने अपने मोटिवेशन ही नहीं खोया। मैं आज भी बता रहा हूँ, 28 नवंबर को ये रिपोर्ट आई थी और मुझे आज भी याद है, केवल 28 नवंबर की रात को मैं और मेरी वाइफ इस मुद्दे को लेकर थोड़ा रोए। अच्छा। हमको चिंता भी हुई, भविष्य की बहुत चिंता हुई दोनों, क्योंकि अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी 29 नवंबर को। ओह माय गॉड, राजू आपके एक बेटा भी है? हाँ, हमारे एक बेटा भी है। 12 बजे 1 बजे हम दोनों आपस में गले मिलकर इस बात को लिए रोए कि ये जो नई समस्या आई है, इस समस्या को हम फेस कैसे करेंगे। बट उसी समय हमने ये डिसाइड भी किया कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, हमें घबराना नहीं, और हम चाहे एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, लेकिन हमें इस समस्या से लड़ना है। हमको ये नहीं पता इसमें क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। हम जयपुर आ गए, राजकोट थे हम लोग, गुजरात थे, क्योंकि फैमिली सारी यहाँ पे रहती थी। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने डॉक्टर ढूंढा। और आपको मैं बताऊं, 14 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन था और 2 दिसंबर को हम यहाँ आए थे जी। 5 दिसंबर को डॉक्टर से फाइनलाइजेशन हो गया था, उसने 10 दिन की दवाइयां दी थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं जो कुछ खाना चाहूँ खा सकता हूँ? उन्होंने कहा आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी खा सकते हो। तो मैंने जितनी चीजें डिमांड कर सकती था मेरा दिमाग, मैंने उतनी चीजें खाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता 14 दिसंबर के बाद जिंदगी में कौन सा दिन आए और कौन सा ना आए। तो जो जो मुझे फेवरेट चीजें खाने की इच्छा थी, मैंने 10 दिन में खाई। उसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद स्थिति ये हो गई थी 4-5 दिन तक, क्योंकि मेरे 8 यूनिट तो ब्लड चढ़ा था और मेरा ऑपरेशन 8 से 10 घंटे चला था, और इट वॉज लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन, जो कि डॉक्टर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमें कुछ भी निकालना पड़ सकता है और आपका मतलब हो सकता है कि हार्ट अटैक भी आ जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हम लोग उसको डील ना कर पाए। तो हम लोग उसके लिए भी रेडी थे कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, और जो ईश्वर अगर हमारे साथ है तो सारी समस्याएं अपने आप ही गॉन होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, बिल्कुल हो जाती। और फिर हमने, मैं आपको बताऊं कि 5 दिन आईसीयू में मैंने जो बिताया, मैंने फर्स्ट डे ये सोचा था जब ऑपरेशन करवा के आए कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली अपनी जिंदगी में ऑपरेशन करवा के, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के एक पार्ट को भी नहीं हिला पा रहा था उसको। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी, मतलब मैं अगर ऐसे इतना कमजोर होकर जिंदगी जीऊंगा तो कैसे लाइफ मेरी कटेगी। फिर वहां से इम्प्रूव करना शुरू किया, देन इम्प्रूवमेंट धीरे 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 आया। बट आगे चल के मुझे ये पता पड़ा, क्योंकि आई वॉज रेडी फॉर द ऑपरेशन, बट आगे किसी ट्रीटमेंट के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बट आगे चल के पता चला कि 2-3 जगह यहाँ बायोप्सी के लिए भेजा, जब उसको बायोप्सी के लिए जो गांठ निकली थी उसको, तो यहाँ पे डॉक्टर्स उसको पकड़ भी नहीं पाए। फिर जय मेहता टाटा मेमोरियल में है, उन्होंने वहां पे हमने जब रिपोर्ट भेजी बायोप्सी की, उनसे जब रिपोर्ट मंगवाई, तो उन्होंने इसमें एविंग सार्कोमा करके, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और बताया था मुझे, आइडेंटिफाई किया। और ये खबर सुनते ही मेरे पूरे घर में, पूरी फैमिली में एक लहर सी दौड़ गई कि यार अब क्या होगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनने में डर लगता है, जिसका नाम लेते डर जाता है आदमी। मैंने भी बेटा कैंसर से अपनी माँ को लड़ते देखा है, मैं जानती हूँ बेटा, पता है मुझे, मैं पता है मुझे। तो मेन बात यह है कि वो चीज सुनने के बाद मैं खुद भी थेरेपी के लिए रेडी नहीं था, मैंने अपने माइंड को मेकअप किया। लेकिन एक चीज मैं आपको, जो शुरू से लेकर एंड तक जब से ये घटना हुई, मैंने 29 नवंबर को एक चीज अपने दिमाग में बैठा ली थी, और वो ये बैठाई थी कि जो होगा वही सत्य है। हाँ, मुझे किसी भी चीज को अपनी परिकल्पना में नहीं लेकर आना। मतलब ऐसे कि हम क्या करते हैं, चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, परेशानियों को अट्रैक्ट करते हैं। दर्द है, परेशानी है, समस्या है, सब कुछ है जिंदगी में। 2 चीज है, या तो समस्या है या समाधान। वेरी गुड, वेरी गुड। समस्या है या समाधान, प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अपना माइंड के पावर को, आप अपने मन की शक्ति को, आप अपने मन की सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को समाधान पर लगाना चाहते हैं कि समस्या पे लगाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि समस्या तो आएंगी हमारे पास, लेकिन समस्या का समाधान हमें ढूंढना है, हमें आकर समाधान पे टिक जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो राजीव, आपने नेचुरल, आपने जो आपके, मैंने सुना है और देखा भी है मैंने पहले, कि आप तो माइंड को कंट्रोल वाले करने वाले मास्टर हो, मन की शक्ति से आप बहुत सारी हीलिंग पर जोर दिया करते थे। तो उस समय आपके मन की शक्ति की क्या स्थिति बनी, जब आपने ये सुना कि
आपको इतना रेयरेस्ट है, मतलब बहुत ही दुर्लभ जिसे कहा जाए वो कैंसर था, तो आपको मैं क्या? सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मैंने ना एक बार मैं थोड़ा निराश हुआ था बीच में, तो मैंने कुछ, मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कविताओं से मुझे मोटिवेशन मिलता है या किसी ना किसी चीज से। तो एक चीज मैंने, एक लाइन भी, वो कविता भी मैं सुनाने वाला हूँ कि नाश के दुख से कभी रुकता नहीं निर्माण का सुख, वाह, नाश के दुख से कभी रुकता नहीं निर्माण का सुख। ये जो लाइन है ना, मतलब मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आई विनाश की, मुझे मतलब मेरा इतना पैसा खराब हुआ, मैं बता नहीं सकता कि मैं किस रास्ते पे था, जा रहा था और मुझे बिल्कुल लौटना पड़ा। मतलब वो सब तो इतने, इतनी और सिचुएशन थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने एक ही चीज ये सोची कि ये जो भगवान ने मुझे परेशानी दी है, या तो वो मुझे बिल्कुल ही खत्म कर देगा, या फिर वो मुझे इतना मजबूत बनाना चाहता है कि मैं इस दुनिया के लिए वास्तव में एक मिसाल बन सकूं। क्या बात है, वेरी और गुड वेरी गुड। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली कि राजीव, तेरे पास जीने की लाखों वजह है, मरने की कोई वजह नहीं ओह माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं राजीव। है। रियली में ये बात मुझे भी बहुत मोटिवेट करती है कि मरने की कोई वजह नहीं है तो मरने की बात सोचेंगे क्यों। कैंसर अरे वाह, क्या बात, है, जब तक जान है जब तक तो लड़ना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीने की लाखों वजह है, उन लाखों वजहों के लिए हमें इन सारी चीजों को हराना पड़ेगा। वेरी और गुड, हमें सबसे बड़ी बात यह है मैम कि हम जैसे ही विकल्प देते ना दिमाग को कि यार मेरे तो कैंसर हो गया, मैं तो बिल्कुल कमजोर हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरी जिंदगी तो किसी काम की नहीं रही। मैंने तो आज भी ये सोच रखा है कि आपने जो मेरे का ना, मेरी आवाज में जो खनक है, वेरी गुड, मेरी आवाज में खनक मैं कभी खत्म ही नहीं होने दूंगा वाह, जब क्या तक बात है। भगवान भगवान ने मुझे ताकत दी है। क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चे काम के लिए ईश्वर आपको ताकत देता ही है, देगा और ही। ईश्वर ताकत देता है। मैम एक लाइन याद आती है हरिवंश राय बच्चन की है कि जब नाव जल में छोड़ दी, जब इंसान कोई फैसला कर लिया ना तो फिर उसको पीछे नहीं देखना है। आजकल के वेरी जो अगर यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग देन नेवर थिंक बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर, वेरी गुड, नेवर थिंक। नेवर थिंक, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मझधार के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मझधार क्या, जब शंकर रूप हो गए तो फिर राख क्या श्रृंगार क्या। अरे वाह, क्या बात है, जब क्या शंकर बात रूप है। हो गए तो राख क्या श्रृंगार श्रृंगार में क्या, क्या, और संघर्ष पथ पे बढ़ चले, संघर्ष पथ पे बढ़ चले तो फिर हार क्या और जीत क्या। जीत क्या, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अगर बढ़िया, हमें संघर्ष करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बिल्कुल वो सही, सोच इंसान के अंदर आती है, तो वास्तव में इंसान ताकत भीतर से महसूस करता है। तो हाँ वेरी मेरे गुड। पूरी जर्नी में, इवन जब कोविड भी मुझे हुआ, तो इट वॉज बहुत ज्यादा हाई, मतलब अच्छी कैटेगरी का मुझे निमोनिया हो गया था, जिसको अच्छा, बोलते हैं कि लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट था, क्या और बात है हाई। राजेश, राजेश से टोकना चाहूंगी कि आप इस बुरी बीमारी को भी कह रहे हैं अच्छा वाला निमोनिया हो गया था आपको, है व्हाट अ पॉजिटिविटी है कि अच्छा वाला निमोनिया हो गया था आपको, क्या बात है, यही आपकी जीवनी शक्ति का राज है। तो होता क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो बीच में ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी नहीं आती है, हाँ, आती है, आती बहुत है। बार परेशान होते हैं, रात रात भर नींदें नहीं आती हैं, और ना मन, क्योंकि मेरा अकेले रहने की भी आदत है, मतलब मैं थोड़ा सा एकांत पसंद करता हूँ। तो उस एकांत में मैं अपने आप से बात करता हूँ, और अच्छा, उस एकांत में बात करके मुझे ये समझ में आता है कि ऐसी कौन सी चीज पकड़ू जिससे मेरी ताकत बनी रहे। क्या बात तो है, मैम इसमें मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, बताइए ना। चार चीजें हैं, हाँ, सोल आत्मा, आत्मा, वेरी गुड, नंबर सेकंड माइंड मन, मन, शब, हाँ, वेरी गुड, बुद्धि बुद्धि, या दिमाग कह दो आप, हाँ, और नंबर फोर्थ है शरीर। शरीर। ओके, पहली आत्मा, आत्मा, मन, मन, बुद्धि बुद्धि और और शरीर, शरीर, या दिमाग कह दो आप बुद्धि को। ये ठीक है ठीक है। चारों का संतुलन जो व्यक्ति बना लेता है अपनी जिंदगी में, बैलेंस, ओह इन चारों को प्रॉपर तरीके से जो बैलेंस कर लेता है या चारों का सही तरीके से उपयोग कर लेता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल लाइफ को जीता है। भाई, मैं सोच रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई 70-80 साल का कोई महंत बोल रहा हो, लग ही नहीं रहा कि 30 साल का कोई जवान बोल रहा है। आपका आशीर्वाद है मैम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर, हाँ, अब होता क्या है कि हमें कोई कहता है कि शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरे वाह, रथी वही है, पूरा चैरियट वही है, फिर दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, बुद्धि का। आप गलत दिशा में जाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, लेकिन हाँ, अगर आप दिशा सही पकड़ लोगे तो आपकी दिशा, आपकी बुद्धि को, दिमाग को राइट
इंडिकेशन मिलेगा। गुड, अब आता है सारा गेम जो होता है, हमें पावर मिलती कहाँ से? हाँ, तो देयर इज अ वर्ड, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो एक वर्ड को समझें कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन अगर डिसिप्लिन में सेल्फ लगा दोगे ना, सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसकी पावर 50 गुना नहीं 500 गुना बढ़ जाएगी। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे निवेदन कहूंगी आत्मा अनुशासन, जिसकी बात राजीव कर रहे हैं, आत्मा अनुशासन, हमें किसी के अनुशासन में नहीं चलना, किसी के शासन के पीछे नहीं चल रहा है, खुद को गवर्न करना है, शायद ये वाली यही अर्थ है राजीव आपका। मेरे हाँ, मैं इस बात को लाना चाहता हूँ कि मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ, और जहां पे सेल्फ जुड़ जाता है ना, वहां पे हम अपनी चारों चीजों को, मतलब अपनी आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर को डायरेक्शन में लगा देते हैं कि हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। जैसे कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल, उसमें सेल्फ लगा के देखी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाह। तो बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप बात करें मोटिवेशन की, मैं आपको कितना मोटिवेट कर दूं, लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर वो मोटिवेशन सेल्फ से आने लग जाए, सेल्फ से आने लग जाए, जिसको सेल्फ मोटिवेशन, वो अपने आप में एक पावर है, क्या बात जबरदस्त है, पावर है। वेरी गुड। इस प्रकार से अगर आपकी आलोचना कोई और करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो वो इतने काम की नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, वेरी गुड, तो फिर आप तपकर सोना ही बनोगे फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। दौरान में बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करने का भी मौका मिला। मैं अपने आप से बात करके ये कहता था कि यार, दुनिया को मोटिवेट किया मैंने, सबको कहा कि ये करना है, वो करना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और हाँ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं हार होती, नहीं होती। तो मैं किस मुंह से हार जाऊं, ओह माय गॉड, मैं क्या किस बात, मुंह से हार जाऊं। और सच्ची बता रहा हूं, जब मैं बहुत तकलीफ में होता हूँ, किसी के सामने मुस्कुरा नहीं सकता, तो मैं किसी के सामने भी नहीं सकता। मेरा मन करता है कि मैं आज भी लोगों के लिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि हाँ भाई, मैं आई एम एब्सोल्युटली फिट। कोई मेरे से पूछता है कि भाई तेरी तबीयत कैसी, मैंने कहा मेरे को हुआ क्या है जो मेरे से तबीयत पूछते हो आप बार बार। हाँ, क्या बात है, क्या बात आई एम है। एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो वो जो आपके शिष्य रहे हैं, जिनको आपने मोटिवेट किया है, वो आपकी जीने की वजह बन गए, क्यों, यही कहना चाहते हैं आप? मैं कहता हूं कि ये जो मोटिवेशन है ना, मैंने आज तक जो पढ़ाया था या मैंने आज तक जो किया, वो मेरी वास्तव में जीने की वजह बन गए। और उसका एक कारण ये है कि इतनी बार इतनी चीजों को बोला है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसमें वो सोच ही पैदा हो गई है, तो उस सोच ने अच्छा, जिंदा रखा हुआ है। और वेरी अगर गुड। ये चीज नहीं होती ना मैम, तो मैं शायद कोविड के लिए भी जो गया था हॉस्पिटल में, मुझे वेंटिलेटर पर जाना पड़ जाता। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको ऑक्सीजन लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा था, और अच्छा, मैं बहुत हाफ ज्यादा रहे मैं थे, हाफ रहा था। तो अच्छा। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सेल्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, अगर 15 मिनट में कुछ नहीं होता तो फिर आप लगा दीजिए। क्या बात है, क्या और उस बात है, 15 मिनट के अंदर आई रिकवर्ड माई स्टेमिना ऑफ टेकिंग ब्रीथ, तो फिर वो मैंने आपको, डेवलप तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी फिर वहां हॉस्पिटल में? किया। जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा जो लेवल था वो आप होता चला गया अपने क्या आप। बात है, मतलब मन की शक्ति से है, जो मन की आपका शक्ति, अवचेतन और अचेतन मस्तिष्क था, उसको आपने कंट्रोल किया उस समय अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहे राजीव, मैं 9-8 दिन हॉस्पिटलाइज रहा अभी कोरोना के लिए? जी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि बाकी मैम, दिसंबर से लेकर अभी तक तो मैं कई बार हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, थेरेपी अच्छा, के लिए भी और नहीं, ऑपरेशन के ये लिए। कोरोना ने आपको कैसे जकड़ा, ये बताओ आप मुझे। इसमें ऐसा हुआ कि मैं 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक का, 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक का मेरा 5 दिन का सेशन होता है कीमो अच्छा, का। कीमो का, ओके और ओके, कीमो का जो सेशन होता है वो पूरी बॉडी को तोड़ देता है। हाँ ये तो सही है, बिल्कुल सही कह और रहे 12 अप्रैल को मैं ऑपरेशन वहां पे था, तो 12 अप्रैल को वहां पे एसी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे वो लोग, कि मेरे रूम में एक, मतलब हमारे रूम में 2 लोग होते हैं, जी, मेरे साथ एक एक जना और होता है, एक पेशेंट और होता है, तो उन्होंने एसी को यूज किया, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हल्का सा कफ यहाँ पे मेरे म्यूकस का कुछ जमा हो रहा है, और वो अच्छा धीरे अच्छा धीरे नीचे उतर गया। जब ओहो, मैं 12 अप्रैल से घर पे आया, तो 13 अप्रैल को मैंने आराम किया, और इस बार मैंने ये सोचा था कि 14-15 अप्रैल तक मैं अपने आप को रेडी कर लूंगा अपने कामकाज के लिए। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सर्जन भी मैंने किया, जैसे जल्दी सुबह नहाने लग गया, और सुबह अच्छा उठ के कुछ लिखने लग गया, कुछ पढ़ने लग गया, तो मेरे फीवर बना बन गया बॉडी, अच्छा और मैं फीवर के साथ भी काम करता रहा। और मुझे लगा कि ये, क्योंकि कीमो के बाद हमेशा फीवर आता है, तो मुझे अच्छा लगा ये कीमो का फीवर है, बट ये कीमो के साथ साथ
कोविड का भी मेरे ऊपर इन्फेक्शन हो चुका था। मतलब मुझे लग रहा है कि आप जब कीमो के लिए गए थे तो शायद हॉस्पिटल से कहीं संक्रमण अपने साथ ले आए थे। वही साथ ले आया था मैं, और 15 अप्रैल तक मैंने लड़ा इससे घर पे, लेकिन 16 अप्रैल की सुबह मैंने घर वालों को कह दिया कि मेरे से बिल्कुल भी श्वास नहीं लिया जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। तो फिर सीधे ही हम लोगों ने फैसला किया कि हॉस्पिटल चलते हैं, और वहां पे मुझे तुरंत स्कैन किया लंग्स के, और तुरंत उन्होंने मुझे एडमिट किया। अच्छा राजीव, एक बात बताइए, इस संघर्ष में सब में आपकी पत्नी का क्या रहा? क्योंकि मैं देख रही थी, अभी मैंने देखा था शिल्पा को, वो शायद सुन भी नहीं पा रही है, वो बार बार क्विट कर जाती है शायद। हाँ, वो शायद सुन रही होंगी, बाहर ही बैठी हुई है वो। और उनका रोल तो ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने परेशानी की को झेला है, मेरे साथ साथ आधा उन्होंने, मतलब मेरी परेशानी को आधा किया उन्होंने। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हर इंसान को अपने दुख खुद ही झेलने पड़ते हैं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी ने इस मामले में मेरे दुखों को बहुत बहुत कम करने की कोशिश की है, जितना वो कर सकती थी। और इन सारे प्रक्रम में मैं एक चीज और कहूंगा कि पॉजिटिव क्या हुआ, अभी तक वो मेरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी डिसीजंस लेने में, या बहुत सारी चीजों में वो मेरे को देखती थी कि जब भी कुछ डिसीजन लेना था तो मेरी तरफ देखती थी कि क्या करना चाहिए। तो अभी मेरी एब्सेंस में उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े। इवन मेरी किडनी निकालनी है, इसका डिसीजन भी उन्होंने लिया कि नहीं निकालनी है, डॉक्टर ने उनसे साइन करवाया तो उन्होंने साइन किए। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन की किस हॉस्पिटल में जाना है नहीं जाना है, कौन सी दवा लानी है नहीं लानी है, इधर जाना है या उस डॉक्टर से मिलना है कि नहीं मिलना, बहुत सारे डिसीजन उनको लेने पड़े। तो शी गॉट, शी बिकेम मोर मैच्योर, ये पॉजिटिव सोची जाएगी, वो पहले से भी ज्यादा मैच्योर हो गई है। क्या बात है, मतलब ये आप इसका इसे भी एक सुपरिणाम की तरह से देखते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिविटी है, क्योंकि लाइफ में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो समस्याएं हमें सिखाने के लिए आती हैं। अच्छा, ओशो कहते हैं मैम कि जब कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आती है ना, या तो दो ही चीजें हैं, या तो इंसान उसमें भाग लेकर उसका मजबूत बन जाए, या फिर वो वहां से भाग जाए और हमेशा के लिए कमजोर बन जाए। कमजोर बन जाए तो आपने वो, अगर मजबूत, हमें अगर मजबूत बनना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हमें अपनी आने वाली समस्याओं से डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि हमें उन समस्याओं को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाना है। और वो अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी, जब हम पॉजिटिवली सोचना शुरू करें, पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा सा सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूँ मैं आपको, सभी के काम के लोग यहाँ सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अपोजिट एनर्जी, लॉ ऑफ अपोजिट एनर्जी। जी ओके, लॉ ऑफ अपोजिट एनर्जी का मतलब यह है कि जब आपके सामने समस्या आती है, कोई भी समस्या, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गर्मी के टाइम पे हम लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और एसी चलाते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करते हैं, एसी, कूलर और पंखे की आवश्यकता होती है। सर्दी के अंदर आप एसी नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, क्योंकि उस समय ऑलरेडी क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो अगर आपने सर्दी में एसी चला दिया तो क्या होगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। और गर्मी में अगर आपने हीटर चला दिया तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। इंसान यही गलती कर रहा है पूरी जिंदगी। आप सोचिए, जब हमारे सामने समस्या आती है तो हम उसी समस्या के साथ हो जाते हैं, अरे यार अब क्या होगा, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आप क्या कर रहे हैं, गर्मी में हीटर चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या बात है, क्या नजरिया है आपका। गर्मी में अगर आप हीटर चलाएंगे तो आप और भी ज्यादा जल जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं कहता हूँ कि जो समस्या आपके सामने उसके ऑपोजिट सोचना शुरू कर दो। अच्छा, अब मान लो कि मुझे ये लग रहा है कि मैं तो किसी, मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा, या मेरे साथ किसी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ऑपोजिट सोचू कि नहीं, शायद भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा है इसको पॉजिटिवली यूज करने के लिए। और ऐसे एक दो एग्जांपल नहीं है मैम, हजारों एग्जांपल है दुनिया के अंदर। मेरे पास तो इतनी समस्या कुछ भी दी नहीं है भगवान ने, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है लोगों के बारे में। अच्छा अच्छा, लोगों के पास, अपने अगर स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना हो, उनको तो दिमाग ही काम नहीं करता, दिमाग ही काम नहीं, हाँ, पूरी बॉडी पैरालाइज थी, व्हीलचेयर पे जा काटे उन्होंने। निक बुजुसिस का अगर आपने नाम सुना हो, तो निक बुजुसिस जो ऑस्ट्रेलिया के मोटिवेशनल स्पीकर है, बिल्कुल हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और वो दुनिया के सारे काम करते हैं। मैंने देखा उनका वीडियो, ऐसे जी। तो उसका भी नजरिया बिल्कुल यही है, वो अपनी जिंदगी में वो ये सिखाते हैं कि मैं डेली भगवान का 100 बार, सैकड़ों बार शुक्रिया करता हूँ इस जिंदगी के लिए। तो किसी ने उनसे पूछा कि मतलब ऐसा क्या लगता है आपको अपनी जिंदगी में खास,
तो बोले मुझे मेरा खास ये लगता है मैम, सुनिएगा बहुत छोटी बात है, मजाक की बात है लेकिन जबरदस्त, कि आपकी पत्नी आपको दिन में कितनी बार खाना खिलाती है, ये शादी के बाद कितनी बार खाना खिलाया? तो सामने वाले, मेरी पत्नी तो शादी के दिन ही मुझे खाना खिलाया था। बोले मेरी पत्नी मुझे रोज खाना खिलाती रोज खाना खिलाती बड़ा तो ये नजरिया जो है ना, ये तारीफ है काबिल है किसी भी इंसान का। बिल्कुल, और जब किसी इंसान में ये नजरिया आ जाता है ना, तो पूरी सृष्टि उसको हेल्प करना शुरू कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव कहते हैं ना, सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजर को बदल नजारे नजारे बदल बदल जाएंगे, जाएंगे। सोच को बदल सितारे। और इससे भी बड़ी एक बात बताता हूँ कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुम्हें पाने के लिए काबिल बनाया है, काबिल इस पूरी बनाया। सृष्टि ने सोची थी कि मैं और तुम मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, होता क्या है मैम कि जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो इंसान अपने आप को कमजोर बना लेता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर स्टूडेंट बैठे हुए हो, अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहां पर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं गए, वहां जाकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो पढ़कर ही नहीं आया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। बल्कि आपको क्या सोचना, आज मुझे मेरी जिंदगी की जितनी नॉलेज है सब यहाँ उतार देनी है, या सब उतार देनी, तो कुछ तो होगा। तो यही याद है, मैं बीए एलएलबी सेकंड ईयर का मेरा पेपर था टैक्सेशन का, और जब मैं वहां पे गया, रात भर पढ़कर गया क्योंकि उस समय मैं जॉब भी करता था, तो सुबह मैं जब पेपर मैंने खोला तो उसमें 10 क्वेश्चन में तो मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा था। 10 में से 10 क्वेश्चन मुझे एक भी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तो आंसर क्या लिखूंगा मैं? तो मैं बाकी लोगों को देख रहा था कि सब सर पकड़ के बैठे हुए थे वहां पे। तो मैंने उस समय अपने आप को मैसेज दिया, आज मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा इस पेपर को क्लियर करने में। तो मैंने 5 सवाल चुने और उनके मैं आंसर देकर आया जो मुझे समझ में आया। अच्छा। और आपको बताऊं, मेरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर आए थे। क्या बात है राजू, इसी को मन की शक्ति कहते हैं आप? यही मन की शक्ति है। अच्छा। और यही शक्ति आत्मा से जब आ जाती है ना मैम, इसको सेल्फ से जब आने जाती है तो बहुत पावरफुल होती है। बस हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। अच्छा। परमात्मा और आत्मा का एक कनेक्शन होता है, ये सबका अपना अपना कल्चर के हिसाब से मिलता है इंसान को। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि उस परमात्मा से, जो परम शक्ति है, उस परम शक्ति से अपनी शक्ति को, कनेक्टिविटी को कम ना होने या उसको कट ना होने दे। अच्छा, तो आप आत्मा को, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं मैम आपको दीजिए। मैं कई बार इसमें जब नेगेटिव हुआ अपनी लाइफ में, तो मेरे पास जो सबसे बड़ी पावर मैं महसूस करता हूँ वो ऑरा की पावर मैं महसूस करता हूँ कई बार, और वो पावर होती है मंत्रों से आती है। जैसे मैंने मंत्र बोला, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, या मैंने बोला अहम् ब्रह्मास्मि ओम भूर्भुवस्वः, या मैंने बोला ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानां मृत्युर्मुक्षीमाम्, या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता वार्ता। मैंने कोई भी मंत्र बोला, कोई भी बात बोली, तो वो मेरा ओरा क्रिएट करता है। अच्छा। अब क्या होता है, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं या हम बीमारियों से पीड़ित होते हैं या हम परेशानियों से पीड़ित होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। अगर उस समय हम अपनी कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाएं, तो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगेंगे जरूर, लेकिन वो कनेक्टिविटी जो है ना, आत्मा की पावर परमात्मा से आती है। तो इस कनेक्टिव, परमात्मा सबका अपना अपना है, इस कनेक्ट, किसी भी धर्म को मानिए आप, नहीं, किसी आप, भी धर्म को मानिए आप मुझे बताइए कनेक्टिविटी से आपका क्या मतलब है और ये कैसे मतलब की जा सकती है? कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि हमारे, जिस प्रकार से कहते हैं कि समंदर की जो बूंदे, समंदर की एक बूंद जो होती है वो भी समंदर का हिस्सा होती है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो परमपिता परमेश्वर, जो परमात्मा है, ईश्वरी जो तत्व है, उसका हिस्सा है। तो अपने जिंदगी में उन ब्यूटीफुल पॉजिटिव चीजों को एकत्रित करना, ये परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है। परमात्मा और कुछ भी नहीं है। अच्छा। द पॉजिटिविटी ऑफ द नेचर, द पॉजिटिविटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज गॉड, दैट इज परमात्मा। ओके, बहुत अच्छी परिभाषा दी आपने। आप कनेक्ट कीजिए उससे, आप कनेक्ट कीजिए। अब आप गीता पढ़ के करते हैं कि कुरान पढ़ के करते हैं कि आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़कर करते हैं, कि आप कविताओं से कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे मतलब वो मुझको, मेरे लिए प्रश्न नहीं है। वो आप ये कि आप किससे कनेक्ट हो, जैसे मुझे मंत्रों से पावर मिलती है, मुझे कविताओं से ताकत मिलती है। एक कविता जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस दिनों, मैं आपको वो कविता पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, लिखी हुई है मेरे पास वो। बिल्कुल बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी की कविता है। हाँ, स्वागत है स्वागत है। इस कविता ने मुझे इतनी ताकत दी मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, हम भी सुनना चाहेंगे कविता। चलिए, ये अभी कविता सुनिए, अमिताभ बच्चन जी ने लिखी हुई है और शायद आपने केबीसी में सुनी होगी। इसका टाइटल है, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे जी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मुट्ठी में
सपने लेकर भर के जेबों में छाए, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए, कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। आहा क्या बात है, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। वाह क्या बात है, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आगे सुनिए बहुत ही प्यारी, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। वाह, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, नदियों ने सींचा है। मैं बंजर माटी में पलकर मैंने, अरे वाह, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। क्या बात है, मृत्यु से जीवन सींचा है, पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, अरे वाह क्या बात है, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। आहा क्या बात है, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है, क्या बात है। आगे सुनिए बहुत ही प्यारी, कि इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। ओहो, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, और तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत आदत है। क्या बात है, क्या बात, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, गुड, मैं सागर से भी गहरा, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। ओहो क्या बात है, सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, कब तक रोकोगे। वाकई राजीव तुम्हें तो कोई नहीं रोक सकता। हरिवंश राय बच्चन ने यह कविता किस भाव से भर के लिखी, लेकिन आपने उनके भावों को अपने जीवन में उतारा। वाकई तारीफ काबिल है कि साहित्य आपको इतना जोड़ता है। राजीव ऐसा लग रहा है साहित्य से आपको बहुत प्यार है। मैं भी साहित्य की एक छोटी विद्यार्थी हूँ, तो मैं साहित्य का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन साहित्य प्राणवायु मेरे जीवन की। क्या क्या बात है, तो ये साहित्य ने आपको जीवन कैसे दिया ये बताइए मुझे। ये 4-5 लाइनें और हैं, मैं खत्म कर दूं। अच्छा, क्योंकि ये इसका अंतिम बहुत वो है। बिल्कुल स्वागत है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अरे वाह क्या बात है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। खौफ नहीं, क्या बात, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे, क्या बात है, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तप 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 कर सोना बनूंगा मैं, मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। ये जो पोयम है ना, मुझे बिल्कुल सही टाइम पे मिली, मेरे ऑपरेशन के 5 या 7 दिन बाद। क्या बात है, 7-8 दिन बाद, और मैंने इसको लिखी। अच्छा? रात को बैठ के मैंने इसको लिखी किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे हाथ प्रॉपरली लिखने में मुझे हेल्प नहीं करते अब। तो मैंने इसको लिखने के बाद जो पावर महसूस की ना, तो मैंने कहा ये मुझको वो ताकत है जो परमात्मा से कनेक्ट करती है। तो साहित्य आपके लिए मतलब किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा से जुड़ी हुई एक शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान मुझे बोल रहा है और मुझे ऑर्डर दे रहा है, बेटा ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है, एंड यू हैव टू फॉलो इट। तो ये पावर आती है। नहीं बिल्कुल, नहीं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि साहित्य वाकई जोड़ता है और इंसान को बहुत जोड़ता है साहित्य। मुझे ये बताइए कि आप जब हॉस्पिटल में रहे इतने दिन, इतना लंबा चौड़ा आपका ऑपरेशन हुआ, आपने अपना समय कैसे काटा उस समय? आपके दिमाग में जैसे अभी कोरोना में तो आप बिल्कुल अकेले रहे होंगे हॉस्पिटल में, आपके आसपास कोई भी नहीं रहा होगा, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आते थे? क्योंकि आज इंसान कोरोना से बहुत खौफ खा रहा है, आप देख रहे हैं ना, बहुत अफवाहें भी फैल रही है चारों तरफ। मैं आपको ये मैं ये पूछना आपसे पूछना चाह रही हूँ और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वो कोरोना का जो क्वारंटाइन वाला समय था वो आपने कैसे गुजारा? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे, मेरे लिए एकांत एक वरदान साबित होता है हमेशा। ओके, ये मेरा नेचर है।
ओके ओके हाँ भी ये क्या होता होगा। है, लोगों की समस्या है कि लोग उनके आसपास नहीं होते तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ये है कि एक चिंतनशील व्यक्ति के साथ ये बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपने विचारों के साथ उसकी ऐसी दोस्ती होती है कि वो एकांत में भी थोड़ा मन को मजबूती के साथ चल सकता है। तो मेरे साथ हॉस्पिटल के दौरान में मोस्टली फैमिली का सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के अलावा एक तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, गीता अच्छा जी, मैं मोस्टली अपने साथ रखता हूँ। तो अच्छा ये इसके कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ मैं इनके बारे में, कुछ ऐसी दो चार कुछ किताबें हैं मोटिवेशनल, वो मैं पढ़ता रहता हूँ, और साथ में मैं कविताएं सुनता रहता हूँ और मंत्रों का अच्छा मैं उच्चारण करता रहता हूँ। कविताएं जैसे कुमार विश्वास की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर की, अगर मैम आप तो रश्मि रथी के नाम के बारे में भी जानती होंगी, तो बिल्कुल रश्मि बिल्कुल रथी मैं सुनता हूँ, मतलब यूट्यूब पे लगा लिया, आजकल तो हर चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बिल्कुल बिल्कुल वहां से सुना। तो वो चीजें क्या है, एक तो मन को भटकने नहीं देती, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहता है, और मैंने अच्छा कहा ना कि साहित्य मेरे लिए प्राणवायु, वो मुझे ताकत प्राणवायु देता है साहित्य। तो बिल्कुल ये मतलब जो लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं या मजबूरी में लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी एक सेल्फ चीज जुड़ गई कि हम अपना आत्मविश्लेषण करें एकांत में रह के, दुखी ना हो कि हम मिल नहीं हाँ पा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लोगों बिल्कुल से, बिल्कुल कि लोग हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, हम अकेले हैं। ये एक अच्छा अवसर है कि लोग अकेले रहें तो आत्मविश्लेषण करें कि वाकई हम क्या हैं, क्या होना चाहिए हमको, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कोरोना के लिए मुझे एडमिट करवाया गया तो मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो रही थी, बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे, फैमिली मेंबर, कि यार इतने बिल्कुल दिन अकेला कैसे रहना पड़ेगा। नहीं लाजमी तो है, दो लाजमी है होना हाँ सब। 2 दिन परेशान रहा, बॉडी से परेशान था, तो उस समय तो मेरे को ज्यादा वो भी नहीं था, लेकिन 2 दिन के बाद जब मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस आया, मतलब थोड़ी सी पावर आई, तो मैंने पता क्या सोचा, देखिए ये भी एक पॉजिटिविटी की बात है, मैंने विपश्यना का कैंप किया था 10 दिन का। किसका विपश्यना विपश्य का? हाँ 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 के कैंप में क्या होता है कि 10 दिन तक आपको एकांत में रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना है इसके बारे में। जी, तो मैंने वो अटेंड किया था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। ओके ओके 9th क्लास हाँ तब से अटेंड किया था आपने मैंने। कभी जिक्र नहीं की, 10th तक तो मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ मैम बताया नहीं होगा आपको, लेकिन मैंने ऐसे कई कैंप्स अटेंड किए बचपन से, यही मेरी पावर रही है। तो आपने वो जयपुर में जो गलता जी पे विपश्यना केंद्र है वहीं किया था? जी, कलता जी ओके ने किया। अच्छा। मैं तब से मेरा ये इच्छा हो रही थी कि मैं विपश्यना सेंटर ज्वाइन करूं दोबारा। अच्छा। 10 दिन का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, गुड 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 तो अभी जब मैं यहाँ पे एडमिट हुआ तो मैंने कहा ये विपश्यना का टाइम मिल गया अपने को। क्या बात है, ये पॉजिटिविटी है आपकी, जीवनी शक्ति का ये रहस्य है जो मुझे दिखाई दे ये रहा है। पावर है, मतलब हाँ कि अच्छा मैम इस पे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, अभी बताइए एक ना। कविता मुझे याद आई, बहुत ब्यूटीफुल कविता है, उन लोगों के लिए जो लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ खो गया है, कुछ ना कुछ हाँ चला गया है। इंसान क्या है, इंसान एक प्रकार से क्या सोचता है कि उससे कुछ छूटे नहीं, और ये हमें पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, नियम में छूटेगा तो सही, परिवर्तन तो होके रहेगा, होके रहेगा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और छूटेगा भी राजीव, छूटेगा भी छूटेगा भी और छोड़ना पड़ेगा भी। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। पे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल कविता लिखी है, जो बीत गई तो बात गई। सो बात गई, वाह क्या बात है, सुनना चाहेंगे लीजिए राजीव, जी हम सुनना चाहेंगे, जी आपके मुंह से और सुनना ये चाहेंगे। मेरी बहुत बड़ी पावर रही, क्योंकि ये कविता भी मैं बचपन से मैंने पढ़ ली थी और मुझे याद भी हो गई थी कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था जीवन माना में एक बेहद प्यारा, बेहद प्यारा था, क्या बात, जीवन में एक सितारा सितारा था था माना माना बेहद प्यारा बेहद प्यारा था, था, वह डूब गया तो डूब गया, डूब गया वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर का आनंद अंबर आकाश का का आनंद, आनंद, चेहरा अंबर चेहरा। के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे और कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे कितने इसके तारे टूटे, जो टूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर वो फिर कहाँ कहाँ मिले, मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, नहीं रोता मनाता, नहीं है, नहीं रोता, नहीं नहीं मनाता, रोता, बिल्कुल नहीं यही रोता, यही पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल तो होनी बोलो टूटे तारों पे कब अंबर शोक मनाता मनाता है, जो है बीत गई जो बात गई, तो बात, क्या बात जीवन है। में बहता एक कुसुम, कुसुम यानी फ्लावर फूल फूल, जीवन में बहता एक कुसुम थे उस पे नित्य न्योछावर, तुम्हारे लिए सब कुछ था, वो हाँ, वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो वह सूख सूख गया, गया तो सूख गया, मधुबन की छाती तो देखो, मधुबन की तू छाती तो छाती तो देखो, देखो। सूखी उसकी कितनी कलियां, हाँ मुरझाई कितनी भंलरियां, हाँ कितनी सूखी उसकी कितनी कलियां, कलियां मुरझाई कितनी भंलरियां, बढ़िया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई जो फिर कहाँ मुरझाई खिली,
वो विरुद्ध कहाँ के लिए? कहाँ पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है? नहीं मचाता, नहीं पर मचाता, बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर शोर मचाता मचाता है? है, जो बात गई जो बीत गई वो बात जो गई। बात गई। इसमें एक एक लॉ और मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ इसको लेकर, लॉ ऑफ लिविंग द प्रेजेंट, ओके ओके। इन अभी प्रेजेंट, अभी लोगों की आपने आदत नहीं, इससे पहले आपने लॉ ऑफ अपोजिशन का बताया अपोजिट था, एनर्जी, हाँ अपोजिट अपोजिट एनर्जी, एनर्जी और दूसरा लॉ जी, बता रहे हैं आप लॉ ऑफ लिविंग द प्रेजेंट, लिविंग द प्रेजेंट, ओके, लिविंग इन द द प्रेजेंट। प्रेजेंट को या बी इन प्रेजेंट। अब होता क्या है, हमारे साथ जब समस्याएं आती हैं तो हम तुरंत पास्ट में चले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि मेरा कितना अच्छा टाइम था, कैसा टाइम था, अच्छा, बिल्कुल या फिर हम फ्यूचर में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पास्ट में जाएंगे तो पछतावा होता है सही कह रहे हैं, और भविष्य में जाएंगे तो टेंशन होती है, टेंशन हाइपर होती है। टेंशन। सबसे बड़ा रूल यह है इस पूरे मैंने जो इस प्रोसेस में सीखा ऑपरेशन के बाद, कीमो के बाद, अगर ज्यादा दिमाग चलाओगे ना, पास्ट में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे तो जी नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही पास्ट चार में चार जाओगे तो वो चार चीज जो आपने बताई थी कि आत्मा आत्मा, बुद्धि मन, शरीर मन और शरीर, इन चारों में संतुलन बनाना है, तो दिमाग को कम चलाना है थोड़ा सा। हाँ, आपको प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, हाँ जैसे अभी तो आज भूख लगी है, अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है और सामने खाना खा रहे, बस भोजन करो और भोजन का आनंद लो। ओके अब आप भविष्य के बारे में सोच के अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये तो भगवान भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। और कल मिलेगा या नहीं मिलेगा खाना, अरे आज का तो खाओ, हाँ आज का खा लो जो मिल रहा है ना, जो उसे खा मिल लो, करोगे तो ही आप जी पाओगे, नहीं तो जी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं राजीव, कर्मयोग की थ्योरी भी यही है, कर्म बिल्कुल। करो फल की चिंता मत करो। लोग कहते हैं कि फल की चिंता नहीं करेंगे तो फल मिलेगा कैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग फल की चिंता करते हैं उनको फल नहीं मिलता, जो लोग फल पे फोकस करते हैं उनको फल मिलता। क्या बात है, एक बार दोबारा से कहिए राजीव, एक बार जो दोबारा लोग से फल, कहिए। जो लोग फल की चिंता करते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कहते हैं। लोगों का कहना यह कि फल की चिंता नहीं करेंगे तो फल मिलेगा कैसे, मैं कहता हूं फल की चिंता करने वालों को फल नहीं मिलता। अच्छा, फल पर मतलब जो फ्रूट है, जो रिजल्ट है, उस पर फोकस करो, फोकस वो भटकना नहीं करो, चाहता। जैसे घोड़ा होता है ना, उसका रास्ता हाँ बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल बस वैसा आपका बिल्कुल, क्लियर होना चाहिए। हाँ क्या तो ये बात है, कर्मयोग की थ्योरी है। हाँ 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 अगर आपने अपने प्रेजेंट को जी लिया ना, तो आपको कुछ भी जीने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंट तो मैंने इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज बहुत अच्छी तरह सीखी, द पावर ऑफ पेशेंस क्या होता है, पावर ऑफ धैर्य की पेशेंस, शक्ति क्या होती है, क्योंकि धैर्य की शक्ति क्या होती, पेशेंट का नाम ही पेशेंस से पड़ा है। अरे क्या बात है, जरा इस चीज को खोल के समझाइए, क्या आपने तो बहुत नई बात कही, मैंने नहीं सुनी इससे पहले वाली नहीं, बात। मैं भी सोचता था कि पेशेंट नाम क्यों रखा हुआ है, तो अच्छा पेशेंट नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पेशेंट रखना पड़ता है, यानी कि पेशेंट होना चाहिए। अगर क्या बात आप है, पेशेंट हो तभी आप पेशेंट बनोगे ना। क्या बात है, क्या बात है, सुनिए सब लोग सुनिए, सबके घर में, मैं जिन जिनके घर में भी कोरोना के मरीज पड़े हुए हैं, सब सुनिए ध्यान से सुनिए, पेशेंट नाम क्यों पड़ा, धैर्य रखना है आपको, धैर्य से ही जीतना है, इसीलिए तो आप पेशेंट हैं, क्या बात है राजीव, आपने बड़ी नई बात बताई, नई व्याख्या करी आपने पेशेंट और की सबसे बड़ी बात यह है मैम कि जो पुरुष होता है ना, पुरुष जी। मतलब जो इंसान के रूप में इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, उसका सबसे बड़ा गुण धैर्य है। बिल्कुल सही बात अगर धैर्य नहीं है ना पुरुष के अंदर, मतलब इंसान होने के बाद आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है, तो फिर आप वास्तव में इंसान कहलाने लायक नहीं। कहलाने लायक नहीं, मतलब तो सबसे धैर्य बहुत बड़ी शक्ति होती है इंसान की, जो धैर्य राम में था, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे भी धैर्य की परीक्षा होती है जब हम बीमार होते हैं, बीमार होते चाहे हैं, कोरोना हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ और भी उस हो, समय जो धीरज रखता है ना, वास्तव में वो जीत उसको जाता है, प्रकृति, हालात किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या अब बात है। सबकी स्थितियां अलग अलग हो सकती है, सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने इस दौरान में बहुत इतने परेशान मरीजों को भी देखा है और इतने ऐसे मरीजों को भी देखा कि जो परेशान होने के बावजूद भी एक जिंदगी की तरीका सिखा रहे हैं। मैंने कईयों से सीखा। मेरे को एक अंकल ने बोला, जब मुझे कैंसर का, कैंसर के लिए पहली बार मैं कीमो के लिए गया, तो आई वॉज वेरी इंटेंशन, मतलब आई वॉज इन टेंशन कि यार क्या होगा, कीमो कैसे होता है, कैसे होता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैं बात नहीं कर रहा था। तो एक अंकल आए, वो तकरीबन 46 ईयर्स के थे, तो अच्छा वो आकर बोलते हैं, अरे यार पता तुझे दुनिया में सबसे अच्छी बीमारी कौन सी है? क्या है, अरे मैंने कहा कि पता नहीं। बोले कैंसर सबसे अच्छी बीमारी है। बोले ये इंसान को मौका देती है
कि कम से कम वो अपने लोगों से जुड़ सके, क्या बात, या वो कुछ और प्लान कर सके। बाकी बीमारियों में क्या, एक्सीडेंट हुआ आदमी तुरंत चला गया, अच्छा, या हार्ट अटैक आया आदमी मर गया, या उसके कोई भी फेलियर हो गया, मल्टीपल डिसऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंसान को क्या टाइम नहीं मिलता। इस बीमारी में टाइम मिलता है इंसान को सोचने के लिए। क्या बात है, पॉजिटिविटी, क्या नजरिया है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना परेशान मत हो, ये तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। अच्छा, एक बात है राजीव, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, आपको आपके जैसे इंसान मिले भी आपकी जिंदगी में। मैम वो भी फर्क पड़ता है, हम जैसा जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे लोग वास्तव में मिलते हैं। हाँ, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। या दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज हमने तीन लॉ देखे राजीव, तीन लॉ देखे। पहला देखा हमने लॉ ऑफ अपोजिट एनर्जी, दूसरा देखा आपने लॉ ऑफ लिव इन प्रेजेंट एरा, एंड थर्ड देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जैसे होंगे, जैसे हमारी इच्छा शक्ति होगी और जैसे हमारे भाव विचार होंगे, हमको वैसे लोग टकराएंगे दुनिया में। तो मुझे लगा आपको जैसे अंकल मिले, वरना तो ज्यादातर लोगों को ऐसे मिलते हैं, अरे यार मैं तो टूट गया यार, ये कैंसर इतनी बड़ी बीमारी और दुनिया की सबसे खराब बीमारी है, वरना मैंने तो ऐसे कहते सुना है लोगों को ज्यादातर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, लेकिन आपको कोई ऐसा इंसान मिला जो कह रहा है कि कैंसर दुनिया की खूबसूरत बीमारी है। ये निश्चित रूप से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था जो आपको इस तरीके के लोगों से जिन्होंने मुलाकात कराई और आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिला। एक मुझे याद है, मेरे एक गुरुजी थे, अगर आपने आपसे मुलाकात हुई थी, प्रोफेसर बीबी कश्यप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिली हूँ उनसे एक बार। वो अक्सर हमें एक चीज सिखाया करते थे, और वो कहते हैं जब आप किसी चीज को, मतलब आप अपनी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करते हो, तो वो एक कुछ गजल की शेप में एक लाइन सुनाया करते थे, वो मुझे आज भी याद है, कि गमो इश्क की जिंदगी से परे। ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये संसार जो हम देख रहे हैं, कि गमो इश्क की जिंदगी से परे एक टिमटिमाती सी रोशनी नजर आती है मुझे। क्या बात है, गमो जिंदगी से परे एक टिमटिमाती रोशनी नजर आती है मुझे, मैं लपकता हूँ उसे पाने के लिए, और वो मचलती है मुझे खुद में समाने खुद के में लिए। समाने के लिए, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वही चीजें हमारे तरफ चारों तरफ घूमती रहती हैं, जिनको हम आकर्षित कर रहे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ब्रेन जो है वो ट्रांसमीटर है, बिल्कुल, और वो आकर्षण फेंकता है। बिल्कुल, अपनी सोच को मजबूत रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और अच्छी चीजों से जुड़े रहेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे मंत्रों से जुड़े रहेंगे, तो 100% हमारा जो आकर्षण का नियम बनेगा, मतलब जो आकर्षण हम क्रिएट करेंगे वो भी पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, ओके राजीव, आज जो आप हमारे साथ है ना, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। ना जाने कैसे मुझे आपकी याद आई और मैंने आपको फोन किया, आपने तो अपनी बीमारी के राज को छुपा के रखा हुआ था। मुझे लेकिन मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं राजीव से बात करूं, क्या बात है राजीव का इतने दिन से फोन नहीं आया। मुझे अंदर से कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, तब मैंने आपको फोन किया, और जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं सच बता रही हूँ राजीव, मेरे आंख में एक भी आंसू नहीं था, ना मैं घबरा रही थी। जी शायद आपको याद होगा मैंने आपको एक लेटर भी लिखा था, आपने मुझे लिख के भेजा भी था, हमारी बात भी हुई थी फोन पे। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि आज मैं दुनिया वालों से जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जिनके रिश्तेदार कोरोना से जूझ रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनके घर में कोरोना मरीज पड़े हुए हैं या खो दिया है जिन्होंने अपनों को, उनको आप एक रोशनी दे सकें, ये मेरे मन में एक जज्बा था, और इस जज्बे के अट्रैक्शन ने शायद आपको मुझसे मिलवाया है और आज लोगों को भी आपसे मिलवा रहे हैं। तो मैम एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी जो जुड़ना चाहें, मेरा फेसबुक पे पेज है मोटिवेटर राजीव मिश्रा। अच्छा, मोटिवेटर राजीव मिश्रा जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ सेम, और यूट्यूब पे भी मेरा अकाउंट है मोटिवेटर राजीव मिश्रा के नाम से, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे भी मिल सकते हैं, व्यूअर्स से वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, और इन फ्यूचर मैं मोटिवेशनल कई एक्टिविटीज भी जैसे जैसे मैं ठीक होता जाऊंगा तो मैं बढ़ाने वाला हूँ, 2-4 महीने के बाद या अभी जैसा भी मौका मिलता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और मेरा आज का हर दर्शक भी आपको ये शुभकामनाएं दे रहा होगा कि आप पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ मोटिवेटर सेमिनार लें, सेशन लें और लोगों को मोटिवेट करें इसी तरीके से। और एक बात वाकई मुझे अब तुम्हारी एक बात बहुत सच लग रही है राजीव, कि ईश्वर ने तुमको जो ये इस परिस्थिति में डाला है ना, वो शायद इसलिए डाला है कि ये बंदा केवल कहता ही है या करके भी दिखाता है। ऐसा अभी मुझे एहसास हुआ है इस वाली बात का, कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा केवल कहता ही है या करके भी दिखाता है, और राजीव आपने तो करके लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैम आप जो ये बात बोल रहे हैं ना, सेम यही मेरे अंदर आ जाती थी, और सेल्फ एनालिसिस जब मैं करता था तो भगवान, मैं यही सोचता था कि भगवान शायद राजीव जी आपसे ये जानना चाह रहा है कि केवल शब्दों के ही
हीरो हो या शब्दों के वास्तव घोड़े, में शब्दों के घोड़े दौड़ा रहे हो, केवल या कागजी घोड़े दौड़ा वास्तव रहे में कुछ हो कर भी सकते हो, या कुछ कर भी पहन भी सकते सकते हो। हो। तो वो मुझे वास्तव में अंदर से ये फील होता था, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ईश्वर का, मुझे सबसे बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद मिले, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, और अगर ये सब रहा तो मैं समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे राजीव, पास बहुत कुछ है। हम आपको अपने स्टूडेंट से भी मिलवाना चाहेंगे जब हमारी कॉलेज खुलेंगे। मैं इस समय जी माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रताप नगर में हूँ, और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप मेरे स्टूडेंट से मिलें। और कभी मौका मिलेगा तो मैं एमएचएस से भी उतनी ही जुड़ी हुई हूँ अभी भी। एमएचएस तो मेरे रग रग में बसता है बेटा, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादापि गरीयसी। एमएचएस को तो मैं कभी सही भूल बात, नहीं सकती, वहां से तो मैं पनपी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि एमएचएस के विद्यार्थियों से भी आप एक बार जरूर मिलें, और कॉलेज के और गर्ल्स मैम से, कुछ हाँ कॉलेज की गर्ल्स से भी मिले। और इस समय मैं एक चीज देख रही हूँ कि लोगों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा आ गया है, तो मैं, हो सकता है कि मैं फिर आपको तकलीफ दूं 15-20 दिन में, कि आप लोगों को थोड़ा जी मोटिवेट करें कि उनको बिल्कुल श्योर, डिप्रेशन में नहीं आना है। जब कोई भी समस्या, आपने तो इतनी अच्छी परिभाषा दे ही दी, पेशेंट का मतलब है धैर्य। भाई जिस जी पेशेंट ने धैर्य रख लिया वही जीत पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा राजीव आपसे मिलकर बेटा, और मैं चाहूंगी कि बार बार आप, जब भी हम आपको याद करें तो आप जरूर आए। और आपने अभी श्योर मैम, रामधारी सिंह दिनकर की बात की थी, तो आपको देखकर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है बेटा, क्या आपको सुनाऊं? जी मैम, उनकी एक मैं एक कविता, चीज चाहूंगा इस आपके सुनाने से पहले, कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम इसमें मैं मेमोरी पावर के ऊपर, क्योंकि मेमोरी पावर के ऊपर मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं, लाइव एग्जांपल हैं, अच्छा जो मैं अच्छा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करना चाहूंगा। माइंड बिल्कुल, पावर एंड मेमोरी किस प्रकार से काम करती है अच्छा स्टूडेंट्स के अच्छा लिए, माइंड पावर एंड मेमोरी ये तो किस बहुत प्रकार जरूरी से काम है, करती है। तो बहुत जरूर। राजीव, आप अपने को थोड़ा स्वस्थ महसूस करें ना, तो इस विषय पर भी हमको एक सेमिनार दें प्लीज, मैं आपसे निवेदन करूंगी। 15-20 दिन में आप कभी भी रख लीजिएगा, मैं आपको अपडेट्स बता दूंगा, अपन बात कर लेंगे इस विषय ठीक ठीक बेटा, बहुत सही, थैंक यू बेटा, बहुत। तो ये समाज सेवा है बेटा एक तरीके से, मैंने आपको हमेशा यही ये। सिखाया है। मैम समाज मैं सेवा नहीं है ये, परमार्थ मैम ये परमात्मा सेवा है, ये सेवा, परमात्मा ने हमें इसी काम के लिए भेजा धरती पे, बिल्कुल तो हमें ये बिल्कुल, करना ही है। ये अगर करना हम ये ही, नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। जी जिंदा कैसे रहेंगे। और आपके आज जिंदा रहने का वजह भी यही है, बाकी हर इंसान को अपने जिंदा रहने की वजह देखनी है। और आपको देख के पता, मुझे आज रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता याद आ रही है, वो याद आ रही है उनका वो हुंकार एक काव्य संग्रह है, जिसमें एक कविता है अनल किरीट, आपने पढ़ी हो तो। जी मैम बताइए। लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाली, लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना, सुधा बीज बोने वाली। क्या लेना बात, क्या अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले, मैं आपको जीवन का, जो जिंदगी है उसका आशिक मानती हूँ। आपने जिंदगी से इश्क किया, और किस तरीके से आपने जिंदगी से इश्क किया, किस तरीके से आपने उसके आशिकी की, मैं आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगी, आशिकी किसे कहते हैं सीखिए इससे, कि जिंदगी से कैसे इश्क किया जाता है। वो आपने सिखाया कि लेना अनल किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना, सुधा बीज बोने वाले, और धर कर चरण विजित श्रृंगों पर, झंडा वही उड़ाते हैं। धर कर चरण विजित श्रृंगों पर, झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी उंगली पर जो, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या धर बात, धर कर चरण विजित श्रृंगों पर, झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। और अभय बैठ ज्वालामुखियों पर, अभय बैठ ज्वालामुखियों पर, अपना मंत्र सुनाते हैं, ये हैं वे, ये हैं वे, मैं कहूंगी तुम हो वो जो पानी में आग लगाते हैं, जो क्या पानी में आग लगाते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में, नींद कहाँ उनकी आंखों में, जो जीने के मतवाले हैं, लेना अनल बात, किरीट भाल पर, ओ आशिक होने वाले। तो ये मेरे को थोड़ी सी आपको देख के ये पंक्तियां याद आई, और मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स बहुत मोटिवेट हुए होंगे। और ये कोरोना का जो डिप्रेशन, छोड़ दीजिए इस शब्द को, कोई डिप्रेशन नहीं है, पॉजिटिव हो जाइए, निकल जाएंगे इस सब कोरोना से। में हाँ 80% लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक होंगे। अपनी मन की शक्ति को मजबूत रखिए, और इस मन की शक्ति से आप कोरोना को जीत लेंगे। नहीं मिल रहा इंजेक्शन, नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, राजीव को भी ऑक्सीजन नहीं मिली थी, राजीव ने भी 15 मिनट में अपनी ऑक्सीजन का लेवल सही कर लिया था, केवल अपनी मन की शक्ति से, केवल अपनी पॉजिटिविटी से। आप भी कर लेंगे, तो
तो आपके घर में यदि कोई भी इस तरीके का पेशेंट है, आपके आसपास कोई इस तरीके का पेशेंट है, तो प्लीज मैंने आज की इस वेबिनार को रिकॉर्ड किया है, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगी, सुनाइए आप उन लोगों को, और जब भी मौका मिलेगा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ राजीव हमारे साथ होगा। क्यों राजीव, मैं वायदा कर लूं लोगों से, तो राजीव हमारे साथ होगा जो आपको इस तरीके का मोटिवेट करेगा। और राजीव इस वेबिनार का समापन की तरफ लेके चलते हैं, और निश्चित रूप से बेटा आपकी जो कही हुई बातें हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मील का सब पत्थर साबित होंगी, वो निश्चित रूप से इससे मोटिवेट होंगे, अपने आसपास के लोगों को भी हिम्मत देंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि आंधियों के रुख पे जो जलते रह जाएंगे, आंधियों के रुख पर जो जलते रह जाएंगे हर दौर में वे चिराग राहवर कहलाएंगे, वो चिराग राहवर कहलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल बिल्कुल कि आपने इतना अच्छा, हम आपके आभारी हैं राजीव आज तो के आप आभारी हूँ, और बस मैं ये चाहूंगा कि कनेक्टिविटी बनी रहे हम सभी लोगों की, तो मोटिवेटर राजीव मिश्र आप जुड़े फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, और आगे भी मैम आपको जब भी आवश्यकता हो आप मुझे 2-4-5 दिन पहले बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल मैं बुलाऊंगी। तो और अपने सारे व्यूअर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप मेरे आमंत्रण पर यहाँ इस वेबिनार में आए, और निश्चित रूप से शायद मेरी बात गलत नहीं गई होगी, आपको कुछ तो मिला होगा, यदि आपको कुछ मिला है तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि वास्तव में इस वेबिनार से आपके जिंदगी में कोई परिवर्तन आया, या आप अपने आस पास पड़ोस या किसी की कुछ सहायता कर पाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।